तो चले पीएच मान में एक सवाल है कि एक विलयन है और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है बराबर 4×10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, ठीक है। एक विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4×10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, तो हमको बताना है विलयन का पीएच मान क्या होगा और इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति मालूम करना है। तो इस तरह का जो सवाल होगा, इस तरह के सवाल में अगर इस संख्या के पहले एक का गुणा है, एक का गुणा है, तो इस सवाल को तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁶ जब यहाँ पर इसके पहले एक का गुणा हो। लेकिन अगर इसके पहले कोई संख्या का गुणा हो, जैसे 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इस सवाल को फिर हम इस फार्मूले से नहीं लगा पाएंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए जो हमारा पहला फार्मूला है वही यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रो पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच प्लस। तो यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दिया है, 4×10⁻⁹ यहाँ रख दिया जाए तो पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4×10⁻⁹। फार्मूले हमने पढ़े होंगे ये वाले, लॉग m into n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n, एक फार्मूला ये होता है, लॉग m बटे n बराबर इसका विस्तार होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, ये जो हमारा लिखा हुआ है लॉग m इंटू n है, ये लॉग m इंटू n, तो जब इसका विस्तार करेंगे तो लॉग m इंटू n का विस्तार लॉग m प्लस क्या हो जाएगा, लॉग n। तो इसको हम लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस, इसको अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा लॉग m इंटू n है, तो लॉग m हो गया प्लस लॉग n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 10⁻⁹ लॉग m प्लस लॉग n, ये m है और ये n है, तो लॉग m इंटू n का विस्तार होगा लॉग m, तो लॉग m हो गया प्लस लॉग n, n के स्थान पर ये संख्या है तो लॉग n हो गया, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर और विस्तार कर दिया जाए, इसको क्या ले सकते हैं, लॉग 4 को, लॉग 4 को हम लिख सकते हैं पीएच बराबर, हम इसको लिख सकते हैं माइनस, माइनस बाहर रहने दें, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 2 का वर्ग, और एक फार्मूला और यहाँ लिख देंगे लॉग m की पावर n, ये फार्मूला का होगा, तो इसका विस्तार होगा n log m, log m की पावर n बराबर इसका विस्तार करेंगे तो ये n पहले आ जाएगा, n log m, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको हमने 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का वर्ग कर सकते हैं, और ये क्या है, log है, m है, और m की पावर क्या है, n है, तो log m की पावर n को जब हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ये पहले आ जाएगा n, log m, इसको m मान ले और m की पावर क्या है, ये n, तो इसका जब log m की पावर n का विस्तार करेंगे तो n पहले आ जाएगा, यानी कि ये माइनस नाइन है, माइनस नाइन का प्लस में गुणा होगा तो प्लस माइनस गुणा क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन, माइनस नाइन लॉग बेस 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,
तो log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा pH बराबर, अच्छा ये भी तुम्हारा क्या बन गया, log m की पावर n, तो इसको इधर लाएंगे तो n log m बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log बेस 10, और ये हो जाएगा यहाँ 2 का पहले गुणा हो जाएगा n log m, और ये हो जाएगा माइनस 9, log 10 का मान 1, तो इनटू हो गया 1। अब उसके बाद log 2 का मान कितना होता है, pH बराबर माइनस ये हो जाएगा 2, और log 2 का मान होता है log बेस 10 इंटू 2 का मान होता है 0.3010, log 2 का मान होता है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे log 2 के स्थान पर इंटू हो जाएगा 0.3010, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा 9, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा pH बराबर माइनस 0 हो गया, ये 2 × 2 = 0, 2 × 3 = 6, यानी कि 0.6020 माइनस कितना हो गया 9, 9 में इसको घटा दिया जाए तो यहाँ लिख दें 9, और कितना हो गया ये 0.6020, घटा दिया जाए तो 0 से 0 गया, 10 में से 2 गया 8, ये कितना बचा 9, तो ये हो गया 9, और ये 9 में से 6 गया 3, और ये बचा 8, तो 8 और माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है और बाहर भी माइनस है तो अंदर वाले को क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा pH = 8.3980, 7 से ज़्यादा है तो ये विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। बंद करें।